अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की कुछ बड़ी खबरें। घर में अचानक लगी आग और घर के सामान सहित सब कुछ हुआ खाक। बता दें, फायर ब्रिगेड की टीम 2 घंटे बाद पहुंची, जिसकी वजह से लोगों के बीच आक्रोश है। बिहार के सहरसा जिले के पतरगढ़ प्रखंड क्षेत्र के जमहरा भरना टोला वार्ड नंबर 11 में अचानक घरों में लगी आग। भीषण आग की भयावहता यह थी कि 15 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। देखते ही देखते आग ने इतनी भयावह रूप ले लिया कि पास के घर को भी राख में तब्दील करना आरंभ कर दिया। पहले मोहन शाह का घर और उसके बाद आग एक के बाद एक आगे बढ़ती चली गई। देखते देखते दूसरा घर भी जलकर खाक होने लगा। कपड़ा, लैपटॉप, फ्रीजर, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, सिलाई मशीन, जेवरात, अनाज, नकदी, बर्तन सहित जरूरी कागजात भी जलकर खाक हो गए। बहरहाल आपको बता दें कि ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर घंटों बाद काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम देर से पहुंची। आग तो बुझ गई, पर सवाल उठता है कि पतरगढ़ ओपी में एक भी अग्निशामक क्यों नहीं है, जिसके कारण आग लगने के बाद इस तरह की घटना के बाद घंटों तक अग्निशमन की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती है। अग्निपीड़ित परिवार को सर आपके द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया? अभी तो आग लगी है, जानकारी मिला, आग पर नियंत्रण पाया गया अग्निशमक यंत्र से जी, और समाज से। अब तो जो होगा इसका प्रक्रिया समुचित जो जहां तक बन सकेगा वो लाभ मिलेगा। क्या नाम हुआ सर? अनिल मिश्रा। आपको बता दें कि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। लू और हवा की वजह से छोटी सी चिंगारी भी घास फूस के घरों को अपनी चपेट में ले लेते हैं। आग के चपेट में 7 परिवार के घर खाक में तब्दील हो गए। जरा सोचिए, वो गरीब जो बड़ी मशक्कत के बाद 2 रुपए इकट्ठा कर अपने घर के छत पर राख नहीं बल्कि खरपतवार डालकर रात में सोने लायक बनाते हैं, और उसे भी अगर खाक कर दी जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? सीआई अनिल मिश्रा, ओपी अध्यक्ष ज्ञानंद अमरेंद्र ने पहुंचकर पीड़ित परिवार को सरकारी लाभ दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन ऊंट में मुंह में जीरा जैसी फोरन और उससे क्या कुछ लाभ मिल पाएगा? जमड़ा पंचायत के मुखिया महतो के द्वारा भी विपरीत परिवार को 1,000 रुपये का आर्थिक सहयोग देने की आश्वासन मिली है। आपको बता दें कि 1,000 रुपये का मुआवजा से आखिर पीड़ित परिवार खाएगा क्या और पहने का क्या, और फिर सोने की तो बात ही मत कीजिए। इस मौके पर मुखिया धीरेन्द्र महतो, सरपंच दीपक शर्मा, राकेश महतो, अशोक सिंह, संतोष यादव, राकेश सिंह बिरबलसा और देव नारायण सहित जाप के आईटी सेल के जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार, डॉक्टर सालिग्राम और जिप सदस्य डॉक्टर मिथिलेश राणा उर्फ मुन्ना यादव व अन्य लोग भी मौजूद थे। बहरहाल आपको बता दें कि इस तरह की पीड़ा जिसके साथ गुजरती है वही समझ पाता है कि उसके साथ क्या हुआ, और ऐसे में 1,000-2,000 की मदद या सरकारी मदद ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, और ऐसे में कोई भी पीड़ित परिवार क्या करे? आपको बताना जरूरी है कि इस तरह के मामले में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और इस तरह के मामले आगे न बढ़े, इसके लिए अग्निशमन की गाड़ियां नजदीक से नजदीक के गांव क्षेत्रों में तैनात होनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी तरह के आपराधिक मामले होते हैं तो PCR वैन इसके लिए आगे आती है, तो क्या अग्निशमन की वैन नहीं होनी चाहिए? बहरहाल हम आपको बताना चाहेंगे कि अग्निशमन की वैन भी अगर जगह जगह गांव के आसपास में खड़ी हो तो त्वरित कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आग एक घर में लगती है और गांव के एक घर में आग का मतलब होता है पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाना, और ऐसा अक्सर होता है बिहार में तो खासकर। तो ऐसे में सरकार को इस पर अमल में कार्रवाई लानी चाहिए। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कब जागती है और कब इस तरह की कार्रवाई कर पाती है। सहरसा से अनुभवी आंखें के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहे अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड फोटो कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।